नमस्कार श्रोताओं, आज का कार्यक्रम मंजू द्विवेदी के साथ। आज ये जो शब्द है ना, अपने आप में अनंत संभावनाएं समेटे होता है, लेकिन अक्सर हम इन संभावनाओं की तरफ ध्यान देना भूल जाते हैं। सोचते रहते हैं बीते हुए कल के बारे में, कल इसने ये किया था, वो किया था, इसने ऐसा कह दिया था, ये हो गया था, या फिर आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज का ये जो दिन है, ये हमारे हाथ में है। जो कुछ करना है हमें आज ही करना है, और इसमें अनंत संभावनाएं भी छुपी होती है। जरूरत है हमें उन संभावनाओं को पहचानने की और आज का कार्य करने की। जब हम आज का काम ईमानदारी से करते हैं तो कल अपने आप ठीक हो जाता है। तो आप बताइए हमें, क्या आप आज को पूर्णतया जीने में विश्वास रखते हैं, या बीते कल और आने वाले कल की बातों के बारे में सोचते रहते हैं। एक हमारे साथी ने ये लिखा है कि हमारा जीवन रोजमर्रा की व्यर्थ बातों को तो देखता है, मगर अपने आज को नहीं देखता। बीते हुए कल और आने वाले कल ने हमें इतनी चिंता और तनाव से भर दिया है कि सामने जो खूबसूरत सा आज का दिन तमाम संभावना को लेकर खड़ा है, उसे हम प्रायः भूल ही जाते हैं। अपने अंदर के विचारों को बदलें और आज में जीने की कोशिश करें। आज में ही हमारा सारा संसार समाहित है। यदि हम आज के अर्थ को समझ लेंगे तो आने वाले कल के लिए चिंता के घोंसले मन में बनने नहीं देंगे। आज का दिन आपके लिए नया दिन ही नहीं है, बल्कि नया जीवन भी लेकर आया है। जो इस दिन को व्यर्थ न जाने दे, आज का दिन हमारी कुशलता पर निर्भर करता है। केवल अपरिपक्व इंसान ही अपने आज को छोड़कर कल की चिंता में डूबा रहता है। तो जो सामने है उसका स्वागत करें। आज का पूरा दिन आपके पास है, तो नई योजना बनाएं और उसे पूरा करें। धन्यवाद आपका। चलिए, इस कार्यक्रम का पहला ये जो गीत है हम सुनते हैं, बैजू बावरा फिल्म का ये गाना है। शकील बदायूं के बोल नौशाद का संगीत है और इसमें दो आवाजें हैं, बहुत महान कलाकार हैं वो। बताइए उनके नाम और सुनिए ये गाना। जीवन जावे जीता गायक दुनिया।
पावे रखियो अब मोरी शान रे। आज गावत मन में रो झूमे प्रेम के कारण प्रेमी गावे तानों से पाथर भी गलावे जगत में रहमान रे। आज गावत मन में रो झूमे आज गावत मन में रो झूमे। बेजू बावरा फिल्म का ये गीत आपने सुना, पंडित डीवी पलुस्कर और उस्ताद आमिर खान साहब की ये आवाज़ें आपने सुनी और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि आज अपने आप में एक संपूर्ण एक परिपूर्ण शब्द है। मानव जीवन बहुत सी उलझनों और संभावनाओं को संजोए हुए हैं। आज यानी वर्तमान में जीवन जीना ही असली जिंदगी हो सकती है। इसे एक तरह से आत्मसात किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पल यानी कि जो बीता हुआ कल है वो जा चुका है, वापस लौटना नहीं है और आने वाले कल की संभावनाओं को कुछ विचार करते हुए परेशान या दुखी होने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए आज ही को बेहतरीन तरीके से जिया जाए और जिंदगी में आनंद महसूस किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शर्मिली फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, नीरज के बोल, एस डी बर्मन का संगीत, आपको बताना है कलाकारों के नाम। Thank you.
करने को ललचाए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन मेरा मन मेरा मन। शर्मिली फिल्म का ये गाना आपने सुना। राखी और शशि कपूर पर यह गाना फिल्माया गया है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि यह सच है कि हम सभी या तो बीते दिनों की यादों को खुरचते रहते हैं या फिर भविष्य की जिंदगी और उससे जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना तन मन लगाए रहते हैं लेकिन आज पर ध्यान नहीं देते। ये भी सच है कि लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी इंसान सिर्फ आज को लेकर नहीं जीता, उसके बीते हुए कल की स्मृति और आने वाले कल की उम्मीद और आशाएं एक परछाई की तरह उसके साथ चलती रहती है। जबकि हकीकत ये है कि हम सभी बीते दिन लौटा नहीं सकते और आने वाले दिन हमारे वश में नहीं, तो क्यों ना उन्हीं बीते हुए दिनों की स्मृतियों और आने वाले दिनों की अच्छी उम्मीद लिए आज को भरपूर जिया जाए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जो बीत गया उसे याद करने से क्या फायदा, आने वाला कल क्या होगा किसी को नहीं पता। हम इसी में उलझे रहते हैं, आज के बारे में कम सोचते हैं, बहुत से काम कल पर छोड़ देते हैं लेकिन ये कल जल्दी नहीं आता। चलिए आपको धन्यवाद देते हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले गीत की तरफ। पड़ोसन फिल्म का ये गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं। फिल्म में मुख्य कलाकार सुनील दत्त, सायरा बानू, किशोर कुमार हैं और इस गाने में संगीत किसका है ये आपको हमें बताना है। कहना है कहना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली से कहने वाली और भी है प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी है प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं इकरार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही है जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई वो जीवन में
पड़ोसन फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत इसमें आरडी बर्मन का। हमारे एक साथी की ये बात है कि वर्तमान का क्षण अति महत्वपूर्ण है, इसी वर्तमान के क्षण में शाश्वत छिपा है जिसमें विराट का दर्शन होता है। समय का प्रवाह अखंड एवं शाश्वत है, इसमें निरंतरता है। वर्तमान के क्षणों को निरर्थक मानकर महत्वहीन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही द्वार है जीवन में प्रवेश करने का। जो जीवन को जानता है, इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य को भी समझता है, उसे वर्तमान के क्षणों में ही गहरे गहन अवगाहन करने से परम की उपलब्धि होती है। यह सब कुछ निर्भर करता है वर्तमान के क्षणों एवं पलों के सदुपयोग एवं उनके सुनियोजन से। सचमुच ही जो जीवन का सत्य पाना चाहते हैं, उसे वर्तमान क्षण में जीने की कला आनी चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी क्षण को व्यर्थ न जाने दिया जाए और हर क्षण शुभ कर्म करते रहा जाए। बूंद बूंद से सागर बनता है और क्षण क्षण से जीवन। बूंद को जो पहचान ले वह जीवन को पा लेता है। धन्यवाद आपके इस खूबसूरत संदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्यादान फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, अभिनेत्री कौन है आप बताइए हमें। Thank you.
कन्यादान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आशा पारेख पर यह गाना फिल्माया गया है। हमारे एक साथी की ये बात है कि आज एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा है और एक नई उम्मीद है। आज हमारे जीवन का वर्तमान है जो हमें आगे बढ़ने का, नई चुनौतियों का सामना करने का अवसर देता है, हमें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है और हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने का अवसर देता है। आज हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। चलिए अब आपको अगला गाना सुनवाते हैं। लोफर फिल्म का ये गाना है, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, दोनों कलाकारों का नाम आपको बताना है। बड़ा
लोफर फिल्म का ये गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और मुमताज पर ये गाना फिल्माया गया है। एक हमारे साथी के अपने विचार हैं कि आज बेहतरीन तोहफा हम सबको मिला है, कितने ही इस आज को देख न सके, आज की मेहनत, आज के कर्म, आज का व्यवहार, आज की सावधानी, सब पर हमारा आगे का जीवन निर्भर करता है। आज आलस किया, असावधानी बरती या जो भी किया, उसकी भरपाई कल हमको ही करनी होगी। आज के दिन में आज का ही आनंद लेकर जीते हैं तो वही सही है, न तो बीता कल वापस आएगा और न ही कल की चिंता आज काम आएगी, समय बर्बाद ही हो जाएगा। पेड़ों को आज की धूप और आज का पानी ही चाहिए होता है, कल का भोजन तो हम आज ही खा ले ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आज ही आज में जीना रहना अधिक उचित होगा। चलिए धन्यवाद देते हैं आपको और अब हम अगला गाना सुनेंगे और ये गाना मुलजिम फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, शकील बदायूं के बोल है, प्रदीप कुमार और शकीला पर इस गाने को फिल्माया गया है। संगीतकार कौन है ये आप बताइए हमें। दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, हाजिर हूँ कोई तेरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना लग जाए आपको ना किसी की नजर कहीं, लग जाए आपको ना किसी की नजर कहीं, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए, हाजिर हूँ कोई तेरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना गरीब की किस्मत संवारिए, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए, हाजिर हूँ कोई तेरे नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। मुलजिम फिल्म का गाना आपने सुना, इसमें संगीत रवि का है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले एक संदेश हम सुन लेते हैं। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जारी है, कुछ बातें कुछ गीत। आज कार्यक्रम में आज की बातें, हमारे एक साथी ये लिख रही हैं कि सच पूछा जाए तो सफल व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है, वर्तमान हमारा कर्म क्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन तुम वर्तमान में जीते हुए कर्म करो, भूत और भविष्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतीत जो बीत गया, जो कभी लौट कर नहीं आएगा, और भविष्य के आने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि भविष्य कभी आता ही नहीं, केवल प्रलोभन दिखाता है जैसे मृग तृष्णा। सच तो यह है कि जीवन में केवल वर्तमान काल होता है, यही सत्य है, इसके सिवा और कोई काल नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में जीने का संकल्प लेता वो कभी नहीं हारता। धन्यवाद आपका। और हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला गीत सुनते हैं, गैम्बलर फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, संगीत एसडी बर्मन का। आपको बताना है गीतकार का नाम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले, ओ इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। जवाब है प्यार हमने किया जिस तरह से, उस कान कोई जवाब। जर्रा थे लेकिन तेरी लो में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरी, तड़प लो फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर
कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे। गैम्बलर फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गीत बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। हमारे एक साथी की ये बात है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, इसका मतलब यह है कि बीती हुई बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को भूलना चाहिए। बीती बातों पर पछतावा करने से व्यक्ति दुखी, चिड़चिड़ा, निराश और भाग्य को कोसने वाला बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए लोग तैयार नहीं होते और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। एक और साथी लिखते हैं कि चंद लाइनें हैं कि मैं कल को तलाशता रहा उम्र भर, इस तलाश में मेरा आज खो गया। हर इंसान को जिंदगी का हर पल जीने के लिए मिला है, फिर खुशी से हर पल जिया जाए तो जिंदगी जीने का मकसद पूरा हो जाए। धन्यवाद आपका। और अब आपके लिए लेकर आए हैं चित्तचोर फिल्म का गाना, येसुदास की आवाज, गीत और संगीत रविन्द्र जैन का। इसमें कलाकार अमोल पालेकर, जरीना वहाब, विजयेंद्र घाटगे। आपको बताना है निर्देशक का नाम। पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है।
लुट रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है ओ, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। चित्तचोर फिल्म का गाना इस फिल्म के निर्देशक बासु चटर्जी, हमारी एक साथी की ये बात कल आज और कल यानी भूत वर्तमान और भविष्य की एक कड़ी बनी हुई है जिसकी आवाज हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। भूतकाल से अनुभव का सयानापन, वर्तमान से आज का आनंद और भविष्यकालीन विचारों से कल की सुरक्षितता हमें मिल जाती है, लेकिन इन तीनों का सही संतुलन रखना बहुत जरूरी है। भूतकाल की बुरी बातें भूल जाओ, उन्हीं से सीख लेकर आज का दिन सुख से बिताते हुए आगे का जीवन जियो। तो ये बात इनकी है। और अब आगे हम बढ़ रहे हैं, दाग फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं तेरी
राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर ये गाना फिल्माया गया है। हमारी एक साथी लिख रही हैं कि मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि जब भी कोई दुख या परेशानी होती है तो वो आज को छोड़ के उन बीते हुए दिनों के और आने वाले कल के बारे में सोचने लगता है। हम अपने आज यानी वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं क्योंकि मन में लगातार नकारात्मक विचार घर कर लेते हैं। इसलिए अच्छा सोचो और आज में जियो, कल किसने देखा है। चलिए धन्यवाद आपका। अगला गाना आप सुनते हैं सावन की घटा। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, SH बिहारी के बोल हैं, OP नैयर का संगीत है, मुमताज पर यह गाना फिल्माया गया है। फिल्म के निर्देशक का नाम आपको बताना है। घटा फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसके निर्देशक शक्ति सामंत। एक साथी लिखते हैं कि बचपन से सुनते आए हैं कि कभी गीतों के माध्यम से, कभी संतों की सीख से कि जो बीत गई सो बात गई, या अब पछताए क्या होत, या आगे भी जाने न तू, लेकिन बीते समय को भुला पाना और आने वाले समय के बारे में न सोचना ये संभव तो नहीं, क्योंकि अक्सर कुछ घटनाएं हमारे जहन में घर कर जाती है जो हमें न चाहकर भी पीछे ले
जाती है और आजकल के समय में भविष्य के लिए चिंतित होते रहते हैं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि जो वर्तमान में जिए हैं और आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचे हैं उन आदर्शों को देखते हुए आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते हैं और मन को समझाते हैं कि तेरे सिर पर परमपिता परमात्मा का हाथ है तो चिंता किस बात की, और कहते हैं कि पास्ट इज गोन, फ्यूचर इज नॉट नोन, बट टुडे इज योर ऑन, सो लीव इन टुडे, टुडे इज द बेस्ट डे। ये इन्होंने बात लिखी है, धन्यवाद आपका। और चलिए अब अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गाइड फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, एस डी बर्मन का संगीत, वहीदा रहमान और देवानंद पर फिल्माया गया है गाना। इस फिल्म के निर्देशक का नाम अगर आप जानते हैं तो बताइए हमें। गाइड फिल्म का ये गीत आपने सुना, इसके निर्देशक विजय आनंद। एक हमारे साथी की ये बात है कि आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, गीत की ये पंक्तियां हम सभी के जीवन की सच्चाई है। हम अतीत और भविष्य के ताने बाने में स्वयं को उलझाए रहते हैं और आज की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमें याद रखना चाहिए कि बीता हुआ कल तो वापस आएगा नहीं, लेकिन आने वाले कल के सपनों को पूरा करने के लिए आज किए गए प्रयासों का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसान आज बीज बोता है
आज हल चलाता है तभी कल उसे लहलहाती फसल मिलती है। और इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आज्ञा दीजिए मंजू द्विवेदी को। नमस्कार।